नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज चली थी, उसमें भारत ने चौथा मैच जीत करके इस पूरी सीरीज को अपने नाम कर दिया। मगर भारत में जो भारतीय टीम के कप्तान है, उन्होंने हार्दिक पांड्या को ऐसी लताड़ लगाई है, उसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है। दोस्तों हाल ही में हमारे जो भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, उन्होंने एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है हार्दिक पांड्या को लताड़ लगाई और साथ साथ कुछ यंग खिलाड़ी जो कि हार्दिक पांड्या को देख करके बिगड़ते जा रहे हैं उनको भी लताड़ लगाने की कोशिश की। जो तो हुआ कुछ ऐसे कि भारत के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनके सामने कुछ लोगों ने प्रश्न किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी जो हैं अपने आप में मनमर्जी करते हैं और BCCI और जो है भारतीय टीम के कप्तान जो है उन पर कोई एक्शन नहीं लेता है। दोस्तों इशारा था हार्दिक पांड्या के ऊपर और साथ साथ जो है ईशान किशन के ऊपर और कुछ अन्य खिलाड़ी जो। दोस्तों हुआ कुछ ऐसे कि इन्हीं को देखा देखे करके कुछ यंग खिलाड़ी जो है लगातार बिगड़ते जा रहे थे, उसी को लेकर के रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो व्यक्ति टेस्ट सीरीज नहीं खेलता है और सोचता है कि भारत की टेस्ट सीरीज खेलना एक अपमानजनक बात है और हम जो है IPL खेलेंगे और वनडे खेलेंगे और पैसों के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, तो अपने आप में ये एक तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको शोभा नहीं देता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि भारतीय टीम में खेलना एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, मगर ऐसी चीज़ें करोगे कि सिर्फ पैसे के लिए भागोगे और IPL में ही खेलोगे क्योंकि आप जो है एक तरह से एक डिमांडिंग खिलाड़ी है, तो क्या हुआ। दोस्तों जब तक आपका बल्ला चलेगा तब तक ही आपकी वैल्यू होगी, अन्यथा क्रिकेट में कोई आपकी वैल्यू नहीं होती। हमने पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं जो कुछ क्रिकेट में खेले, उसके बाद जो है अपने आप को इंजरी के चक्कर में कई भगवान ने भी कई बार जो है उनका साथ नहीं दिया तो उनको जो है पूरी तरीके से क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया और उनको किसी प्रकार से खिलाड़ी एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं रखा गया। तो अगर आप दूर के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो अगर आप सचिन बनना चाहते हैं, सहवाग बनना चाहते हैं, धोनी बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ संघर्ष करने पड़ेंगे और हर प्रकार के हर खिलाड़ी को हर तरह के मैच खेलने चाहिए और टेस्ट को तो इग्नोर करना नहीं चाहिए क्योंकि टेस्ट जो होता है वो जबरदस्त आपकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए होता है।